सिस्टम रहने वाले साथ उनका लक्ष्य तेरी रामायण का रावण हूं मैं। बार रावण जीतेगा सच। तो गाइज वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे सिंघम अगेन के ओटीटी रिलीज के बारे में कि किस कंपनी ने सिंघम अगेन के ओटीटी राइट्स खरीदे हैं, अमेजोन ने या नेटफ्लिक्स ने। तो गुड न्यूज़ है उन फैंस के लिए जो मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए, उन्हें जल्द ही ये मूवी ओटीटी पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट और बजट के बारे में। अगर बात करें मूवी के स्टार कास्ट के बारे में तो भर भर कर बॉलीवुड के स्टार्स लिए गए हैं, जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, रवि किशन, श्वेता तिवारी, दयानंद शेट्टी। अजय देवगन और अक्षय कुमार स्टारर सिंघम अगेन ने अब तक 4 दिनों में 150 करोड़ तक की कमाई कर ली है और जल्द ही ये 500 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर लेगी। और इस मूवी का रेफरेंस लिया गया है रामायण से, जिसे डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। और इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पॉजिटिविटी जीतती है सारी नेगेटिव पावर से। और सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस भी दिखाया गया है जो कि दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इस मूवी को बनाने में 350 करोड़ का खर्चा लगा है और प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में। एज पर द रिपोर्ट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने सिंघम अगेन के ओटीटी राइट्स खरीदे हैं और ये मूवी स्ट्रीमिंग होगी रिलीज के 2 महीने बाद, यानी कि दिसंबर के लास्ट एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।